नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम देख रहे थे अध्याय नंबर 9। और अध्याय नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बताया है, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो बताया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या बताया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। क्या बताया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। आगे हमसे बोला है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमको करना क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो जैसा कि हम इसका चित्र बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि ये हमारी एक पतंग है, ठीक है। क्या है, ये हमारी एक पतंग है जो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से ये भूमि है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो इस वाली पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इसको दे देते हैं बी, ठीक है गाइस। आगे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब इस पतंग में जो डोरी है उसको भूमि के एक बिंदु पे अस्थायी रूप से बांध दिया, मतलब यहाँ पे सी पॉइंट पे बांध दिया है, ठीक है। आगे हमसे बोला है जिसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है, मतलब कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसको हम बता देंगे, क्या बता देंगे, एल मीटर बता देंगे। कितना बता देंगे, एल मीटर बता देंगे। तो यहाँ पे अब हमको लिख देना है, माना कि ए बी बराबर 60 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। माना कि ए बी बराबर 60 मीटर और डोरी ए सी बराबर एल मीटर, ठीक है। या फिर हम ऐसा लिखेंगे, माना कि, क्या लिख देंगे, माना कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी मान लेंगे, तो पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी एल मीटर, एल मीटर हमने माना है, ठीक है। तथा ए सी बराबर हमको कितना दिया है, तो ए सी बराबर सॉरी ए बी बराबर दिया है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। और उन्नयन कोण हमको साथ में दे दिया है, तो उन्नयन कोण को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री, ठीक है गाइस। तो 1 2 3 तीनों चीज़ें हमको लिख देनी है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लगा देते हैं हमको, चूंकि एल ज्ञात करना है, तो इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक है हमारे पास लंब और एक है कर्ण। आधार हमको दिया नहीं है, है ना, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो लंब और कर्ण आता है या तो साइन में या कोसेक में, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो कोई सा भी हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ से साइन ले लेंगे। तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे डाल देंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 60। कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा एल। अब यहाँ पे हम बात करें साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 का मान होता क्या है, तो आपको जो है साइन कोस टेन कोट से कोसेक जो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, उनके जो कोणीय अनुपात है, उसके लिए आपको अध्याय 8 का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अध्याय 8 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसमें आपको यह निकालना आ जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 और बटे में एल। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमको मान निकालना है एल का, किसका मान निकालना है, एल का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एल जाएगा उस तरफ और ये 2 आएगा इस तरफ। क्या हो जाएगा, ये एल जाएगा इस तरफ और ये 2 आएगा इस तरफ। तो यहाँ पे एल का गुणा हो जाएगा √3 से, तो √3L बराबर 2 का 60 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। अब हमें एल का मान निकालना है, तो √3 वापस बटे में ले लीजिए आप। तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो एल बराबर 120 और बटे में √3, ठीक है। कितना हो जाएगा, एल बराबर 120 बटे में √3। लेकिन गणित का नियम है, बटे में आपको जो है रूट नहीं बचाना है, रूट को हटाना पड़ेगा। तो अब आपको ये जो है रूट वाली संख्या हटानी है, तो यहाँ पे आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, हर का परिमेयकरण
परिमेयकरण करने पर, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, तो एल बराबर 120 बटे रूट तीन गुणित फिर ऊपर रूट तीन फिर बटे में रूट तीन, क्योंकि परिमेयकरण रूट तीन का हुआ है तो रूट तीन ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा बीच में गुणित आ जाएगा आपके। अगले स्टेप में देखते हैं तो 120 का गुणा रूट तीन से हो जाएगा, तो 120 रूट तीन डिवाइड बाय, जब तीन का गुणा तीन से करेंगे दोनों ही रूट में है तो ऐसी कंडीशन में संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्यों आ जाएगी आप देख लीजिए, यहाँ पे जब डबल रूट होता है तो इसको एक रूट में लिख देते हैं। ठीक, अब दो बार संख्या आई है तो घात दो लगा देंगे, घात दो से रूट हट जाएगा और तीन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये जो तीन है वह बाहर आता है। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो तीन एकम तीन, तीन चौक बारह और ये जीरो, तो हो जाएगा 40√3 मीटर। क्या हो जाएगा, 40√3 मीटर। आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, अतः डोरी AC बराबर कितनी हो जाएगी, 40√3 मीटर, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोट करिए।